नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सायमा और आप देख रहे हैं नेशन 360। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। याद रखिएगा, वो बिल्किस बानो से मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं और ना ही उन सभी रेपिस्टों को लेकर कोई कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं जिनको गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। हालांकि वो अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के गुजरात पहुंचने से पहले ही वहां पर बवाल हो गया और धार्मिक स्थलों को स्पेशली मस्जिदों में तोड़फोड़ कर दी गई। अब ये पहली बार नहीं हो रहा है जब नरेंद्र मोदी जी कहीं जा रहे हैं और वहां पर बवाल ना हुआ हो। आप तेलंगाना की बात कर लीजिए, आप जर्मनी की बात कर लीजिए, आप दूसरे और दौरों की बात कर लीजिए, जहां पर भी पीएम मोदी जाते हैं उनके जाने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जिससे ये पूरा का पूरा मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। चाहे आप काले गुब्बारे उड़ाने वाली बात ले लीजिए, उनके दौरे से पहले ही काले गुब्बारे उड़ाकर कांग्रेस विरोध जताती है। इसके साथ साथ आम जो नागरिक हैं वो भी उनके दौरे का विरोध करते हैं। इसका ताज़ा तरीन जो उदाहरण है वो आपको तेलंगाना से मिल जाएगा, जहाँ पर पीएम मोदी गए हुए थे और वहाँ पर काले गुब्बारे उड़ाकर जैसे ही पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ता है वैसे ही काले गुब्बारे वहाँ पर उड़ाए जाते हैं। हालांकि वहाँ पर ये गनीमत रही थी कि वो काले गुब्बारे किसी भी तरीके से जाकर के हेलीकॉप्टर में नहीं टकराए थे, लेकिन अब एक बार फिर से गुजरात में वही कुछ देखने को मिल रहा है जो 2002 में हुआ था। यानी वैसी ही हिंसा एक बार फिर से देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे से पहले जो है कच्छ के भोज कस्बे के मधापार गांव में हिंसा का मामला सामने आया है। अब पीएम मोदी के जाने से पहले ही उनके गृह राज्य में इस तरीके की घटना हो जाती है। 2002 के दंगों के लिए तो खुद उनको आरोपी बनाया गया था और कहा गया था कि उनके कहने पर ही ये सारी चीजें हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। हालांकि बिल्किस बानो का मामला आज भी अधर में अटका हुआ है। जब से गुजरात सरकार ने उन 11 दोषियों को बलात्कारियों को रिहा किया है और उसके बाद उनको मिठाई और माला पहनाकर कैसे स्वागत किया गया उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। अब एक बार फिर से गुजरात में वही कुछ देखने को मिला है। एक युवक की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दूध की फेरी करने वाले युवक परेश राबारी की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते युवक पर बाजार में हमला किया गया और घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए भोज स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और पुलिस के मुताबिक भोज के बाहरी इलाके मधापार के रबारी समुदाय के लोग परेश रबारी की हत्या से भड़क गए। युवक के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद गुस्साई भीड़ ने दुकानों और धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ कर दी। हालांकि स्थिति पर जल्द ही काबू जरूर पा लिया गया। कच्छ पश्चिम की पुलिस अधीक्षक सौरभ सिंह ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, इस बारे में फिलहाल इससे ज्यादा कुछ भी बता नहीं सकते। मौके पर एसपी डिप्टी एसपी समेत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है, हर गतिविधि को बारीकी से नोट भी किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि वो अफवाहों से दूर रहें। इसके साथ ही दोनों गुटों की शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दरअसल भूकंप पीड़ितों की याद में बनाए गए स्मृति वन स्मारक से मधापार सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और जिसका उद्घाटन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, लेकिन उन सभी अहम मुद्दों को लेकर पीएम की तरफ से कोई भी बयान नहीं आता है, जिन मुद्दों को लेकर पूरे देश के लोगों में आक्रोश है। अब आपको बता दें, पीएम मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे। साथ ही साबरमती रिवर फ्रंट पर एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच बने अटल फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच फुट ओवर ब्रिज के निर्माण में कई बारीकियों का ध्यान भी रखा गया है। इसे बेहद ही आकर्षक रूप भी दिया गया है। 300 मीटर का ये ब्रिज साबरमती रिवर फ्रंट के ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। ये ब्रिज मल्टी लेवल कार पार्किंग और ईस्ट के साथ वेस्ट बैंक पर विकास को नई दिशा देगा। यहाँ कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इस ब्रिज का डिजाइन भी बेहद ही आकर्षक है। ये फुटओवर ब्रिज की जो खासियत है वो आपको बता दें कि किस तरीके से है। साबरमती नदी पर एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच बनाया गया फुटओवर ब्रिज है। 74 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके साथ ही पैदल यात्री और साइकिल सवार आसानी से पूर्व और पश्चिम तट के बीच आ जा सकेंगे। इंजीनियरिंग का कौशल भी नजर आएगा। अहमदाबाद शहर को
एक नई पहचान मिलने वाली है। अहमदाबाद के लोग बिना ट्रैफिक के शांति से रिवर फ्रंट का आनंद भी ले सकेंगे और पुल को निचले के साथ ऊपरी सैरगाह से पहुंचा जा सकता है। फुट ओवर ब्रिज की लंबाई कुल मिलाकर के आपको बता दें वो कितनी है। दरअसल 300 मीटर इंटरमीडिएट स्पैन, 100 वर्ग मीटर चौड़ाई, पुल के सिरों पर 10 मीटर और पुल के बीच में 14 मीटर डिजाइन के साथ 2600 टन वजन के लोहे के पाइप स्ट्रक्चर और रंगीन छत लकड़ी का फर्श, ग्रेनाइट फर्श, प्लास्टर, स्टेनलेस स्टील और कांच की रेलिंग आकर्षक फुट ओवर ब्रिज को अलग ही कैफेटेरिया देगी। बैठने की उचित व्यवस्था, रंग बदलने वाली एलईडी लाइट्स कल भुज जाएंगे। पीएम मोदी के साथ जिस तरीके से वो अब इसका उद्घाटन करने वाले हैं उसको देखते हुए काफी ज्यादा तैयारियां भी कर ली गई हैं और आज शाम 5:30 बजे के करीब पीएम नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने की जो प्लानिंग है वो है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी चाहे जर्मनी जाते हो, जर्मनी का भी हमने आपको खबर दिखाई थी जहाँ पर जर्मनी जाने से पहले ही पीएम मोदी के गो बैक के नारे लगने लग गए थे, तो क्या ऐसे में जो चीज़ें ये निकल कर सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोग इतने ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आते हैं जितना कि प्रचार प्रसार में दिखाया जाता है, बताया जाता है। अब एक बार फिर से ये पूरी जो घटना हुई है गुजरात में, वहाँ का जो एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर ज़रूर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं लेकिन इसको किसने शेयर किया है वो जरूर बता सकते हैं। काशिफ अरसलान करके एक ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और बताया है कि गुजरात के माधापार गांव में मस्जिद पर संघियों का कहर, 100 से भी ज्यादा बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ किया, कुरान शरीफ को फाड़कर जमीन पर फेंक दिया, ईशा की नमाज नहीं होने दी और मस्जिद की वजू खाने को तोड़ दिया गया, मस्जिद के बाहर दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। इन्होंने वीडियो शेयर किया है जिसमें कई तरीके की ऐसी चीजें हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, इसलिए वीडियो भी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए हम आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन ये जो पूरी खबर है उस पर सोचने की ज्यादा जरूरत है कि आखिर पीएम मोदी के जाने से पहले जब इतनी ज्यादा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है, तो ऐसे लोगों को कैसे ये जो है बल मिल रहा है कि वो मस्जिद में जाकर इस तरीके से तोड़फोड़ करते हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है और पीएम मोदी के इस तरीके से उद्घाटन के लिए जाने के लिए और बिल्किस बानो मामले में पूरी तरीके से खामोशी बरतने पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।